there's someone here that I'd like to meet. This is my son, Scar. तो यार फाइनली शी हल्क का एपिसोड 9 आ चुका है, जिसको देखकर वाकई में मजा आया। और यार इस पूरे सीजन को देखकर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर इसको 6 एपिसोड की एक सीरीज रखते तो बहुत बहुत ज्यादा बेहतर होता, जस्ट लाइक मून नाइट एंड मिस मार्वल। अगर शी हल्क के एपिसोड 9 की बात करें तो इसने एमसीयू में काफी ज्यादा चीजों को कंफर्म कर दिया है, जिसमें सबसे पहला टीज तो एक्समैन का था, क्योंकि जब जैन और केविन बात कर रहे होते हैं तो जैन केविन से कहती है कि एक्समैन कब आ रहे हैं। और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क हल्क की सोलो मूवी को कंप्लीटली कंफर्म कर देती है, क्योंकि जब केविन कहता है कि हम फिनाले में हल्क के साकार क्यों गया, इस चीज को एक्सप्लेन करने वाले, तो जेन ने बोला उसके लिए एक सोलो मूवी होगी, जो कि क्लियरली वर्ल्ड वॉर हल्क को कंफर्म कर देती है। और एपिसोड 9 के एंडिंग में हल्क वापस अर्थ पर आ भी जाता है, और अकेला नहीं अपने बेटे सकार के साथ, जिसका सीजीआई तो बहुत ज्यादा थका हुआ था, बट अब क्या गुजारा तो करना पड़ेगा ना, मूवी में प्रॉपर दिखाएंगे इसको। और इन द एंड डेयरडेविल बॉर्न अगेन में शी हल्क का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि सीरीज के फिनाले में वो मैट से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।